को हिरासत में लिया गया है। हमले में आईपीएस समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। तो लॉकडाउन का पालन कराने गई थी टीम, आरोपियों पर एनएसए के तहत अब कार्रवाई की जाएगी। तो सर्च अभियान चला करके घरों से सभी को दबोचा गया है। घर की छतों पर ईंट पत्थर भी मिले हैं। कई थानों की फोर्स और पीएसी मौके पर मौजूद है। तो इज्जत नगर के करमपुर चौधरी गाँव की घटना। गांव पे जब गए हम तभी लोगों ने हम पे हमला करने की कोशिश की। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, उनके ऊपर पुलिस के काम में बाधा डालने और धारा 144 का उल्लंघन और कोरोना एपिडेमी एक्ट और आईपीसी के अन्य सेक्शन के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जितने लोग इसमें हैं, हमारे पास वीडियो भी हैं, साक्ष्य भी हैं, सबको चिन्हित करके हम जेल भेजने की कोशिश। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां पर भारत समाचार की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। बीजेपी महिला जिलाध्यक्ष मंजू तिवारी बर्खास्त कर दी गई। लॉकडाउन दिवाली में मंजू ने फायरिंग की थी। मंजू तिवारी ने रिवॉल्वर से फायरिंग की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का यह फैसला, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें उनका ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। तो आपको बता दें कि भारत समाचार की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। भारत समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद मंजू तिवारी को उनके ऊपर एक्शन लिया गया है। संजय हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, माफ करिएगा, सलीम हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। सलीम, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? यहां पर एक बड़ा असर भारत समाचार की खबर का देखने को मिला। सलीम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हमारी आवाज सलीम तक नहीं पहुंच पा रही। तो आपको बता दें कि यहां पर भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीजेपी महिला जिला अध्यक्ष मंजू तिवारी को बर्खास्त कर दिया गया है। तो लॉकडाउन दिवाली में मंजू ने यहां पर फायरिंग की थी, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, बर्खास्त कर दिया गया है। तो भारत समाचार की खबर का एक बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। तो बीजेपी महिला जिला अध्यक्ष मंजू तिवारी बर्खास्त कर दी गई है। लॉकडाउन दिवाली में मंजू ने जमकर फायरिंग की थी। संजय हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संजय, यहाँ पर एक बड़ा असर भारत समाचार की खबर का देखने को मिला है। बिल्कुल मनीष, मैं बताऊं आपको, जिस तरीके से कल पूरा प्रकाशों का माहौल था और पीएम ने अपील की थी कि 9 बजे 9 दीपक जलाए सारे लोग, पूरे देश में उसका असर देखने को मिला। लेकिन मंजू तिवारी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, उन्होंने एक अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक नहीं दो नहीं करीब 5 फायर किए थे, जो कि इस तरीके से फायरिंग करना, हर फायरिंग करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित और रोक लगी थी, जिसको लेकर के भारत समाचार ने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। हालांकि मंजू तिवारी ने सुबह ही इस बात की माफी मांगी थी ऑन एयर भारत समाचार से। लेकिन भारत समाचार की खबर का बड़ा असर तब हुआ जब यूपी बीजेपी ने उनको इस पद से मुक्त करते हुए बर्खास्त कर दिया। धन्यवाद संजय। और अब खबर मथुरा से है, जहां पर 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दिल्ली जमात में शामिल हुए थे दोनों, एक महिला एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। मथुरा सीएमओ ने इसकी पुष्टि की है। तो आपको बता दें ये दोनों वही लोग हैं जो कोरोना की जमात में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। मोहन हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मोहन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल मनीष, इस तरीके मथुरा में जो अभी तक जो है कृष्ण नगरी अब कोरोना वायरस से मुक्त थी, आज पहले 2 केसेस में आ गए हैं। इसमें एक जमाती है जो दिल्ली जमात से वापस लौट आए थे और बताया जा रहा है मथुरा के मूल रहने वाले, और मथुरा के रहने की पुष्टि नहीं हो पाई अभी। और जो वही दूसरी जो महिला है वो आगरा की रहने वाली है, मथुरा की नेती अस्पताल में काफी लंबे से भर्ती थी, इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहन, नजर बनाए रखिए। वहीं केंद्रीय कैबिनेट का एक बड़ा फैसला, सांसदों के वेतन से 30% की कटौती की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला यहां पर लिया गया है। सांसदों को 2 साल तक नहीं मिलेंगे पैसे, तो सांसदों की सांसद निधि से पैसे नहीं मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी है। 1 साल तक सांसदों का वेतन 30% कटेगा। तो कैबिनेट ने अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी है। कोरोना को लेकर के कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला यहां पर लिया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने भी सैलरी कटने पर मंजूरी दी है। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, जहां पर 2.5 साल का बच्चा कोरोना से ग्रसित पाया गया। माँ से छोटे बच्चे को संक्रमण फैला है, कोरोना हुआ है। तो पहले भर्ती हुई थी बच्चे की माँ, 2.5 साल का बच्चा केजीएमयू में अब भर्ती कराया गया है। तो बच्चे की स्थिति सामान्य बनी हुई है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 2.5 साल के बच्चे में कोरोना की पुष्टि की गई है और इस बच्चे को केजीएमयू में भर्ती कराया गया है। तो लखनऊ से एक बड़ी खबर, जहां पर 2.5 साल के बच्चे में कोरोना की पुष्टि हुई है।